हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2 प्रो फ़ोन है, तो वीवो T2 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, जो हमारे फ़ोन में फाइल ऑप्शंस पे जाकर, आप कैसे फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं वीवो T2 प्रो फ़ोन में, और कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। तो इसमें से आपको फाइल ऑप्शंस पे टैप कर देना है। तो फाइल ऑप्शन से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो ओपन होते ही आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। फाइल ऑप्शंस तो यहाँ से देख सकते हैं कि वीडियो गैलरी पर जाते हैं, जो भी वीडियो हाइड करना है तो कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाकर आपको मूव टू सेव फोल्डर कर देना, और मूव टू सेव फोल्डर करके आपकी वीडियोस हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। एंड फोटोज़ को हाइड करना है तो फोटोज़ को भी हाइड कर सकते हैं। थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना और फोटोज़ भी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी और हाइडिंग फोल्डर में शो करेगी। तो इस तरीके से फोटो एंड वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं। और सिंपली सेव फोल्डर पर जाते हैं तो सेव फोल्डर पर जाकर भी इनको हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, या इनको छुपा भी सकते हैं और वापस आप गैलरी में भेजना चाहें तो गैलरी पर भी आप भेज सकते हैं इन्हें। सिंपली थ्री डॉट पे जाकर मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर कर देना, जो भी आपकी फ़ोटो एंड वीडियोस होंगी वापस आपकी फ़ोन गैलरी में शो होगी। तो इस तरीके से भी आप फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।